गोरी करत सिंघार, गोरी करत सिंघार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद अहमद। मुझे आप देख रहे हैं रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में। डू कमेंट एंड सब्सक्राइब। रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में मेरे आज के मेहमान हैं जवाद अहमद। आपने उनके कितने बेशुमार गाने सुने हैं ना, मैंने भी, बल्कि मुझे अच्छे भी लगते हैं वो। आज मैं उनसे बेशुमार सवाल करूंगी। मैं उनसे पूछूंगी कि वो जो ये इनकलाबी बातें करते हैं, ये जो पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं, कहाँ तक पहुँचे। तो आइए मिलते हैं जवाद अहमद से। कहाँ गायब हैं आजकल आप, म्यूज़िक से दूर क्यों हुए? सबसे पहला सवाल ये। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग विद यू। और आप लोग तो इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं सारे, तो आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू। थैंक यू। माय हार्ट, मैं ऐसे में दूर नहीं हुआ म्यूज़िक से। म्यूज़िक से कौन दूर हो सकता है? मतलब अगर आप उसको सुनने की बात करते हैं या उसको क्रिएट करने की बात करते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ जहन में आ रहा होता है। लेकिन ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ आपकी चेंज हो जाती हैं कई दफ़ा। तो मेरा ये है कि मैं चूँकि रिसेंटली पॉलिटिक्स में आया हूँ और हमने एक पार्टी बनाई है लास्ट इलेक्शन में 2018 में, तो उसके बाद से टाइम कम होता है म्यूज़िक करने का। लेकिन ये क्या है कि अपनी अपनी मस्जिद अलग, डेढ़ ईंट की, एक ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पार्टी है उसमें क्यों नहीं लोग जाते? देखिए, हमारा नैरेटिव बिल्कुल फ़र्क है। हम ये कहते हैं, आप नहीं समझते हैं कि अगर सब इकट्ठे हो जाए लाइक माइंडेड, तो पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा, बजाय अलग 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 लोग अपने। आई थिंक वॉट यू सेड इज़ वेरी पर्टिनेंट, लेकिन फॉर दैट एटलीस्ट ऑल ऑफ दोज पीपल हैव टू बी लाइक माइंडेड एज यू सेड, इट्स अ प्री रिक्विजिट ना। अगर कोई लोग हैं ही नहीं लाइक माइंडेड, तो कैसे उनके साथ काम हो सकता है? देखिए, ये सारा नैरेटिव जो है ना, जो बनाया गया है पाकिस्तान में, वो क्या बनाया गया है कि जी हम अच्छे हैं इसलिए हम अच्छा करेंगे। दूसरे कहते हैं कि नहीं जी, हम अच्छे हैं ये बुरे हैं। तो आप ये हम अच्छा करेंगे, आप खुद नहीं ये कर रहे? नहीं, हम भी बिल्कुल नहीं कहते। अच्छा। हम ये कहते हैं कि देखिए, अच्छा बुरे सब होते हैं। हाँ। मैं भी, आप भी, ये सब लोग जितने भी हैं दुनिया में, कोई भी आखिरकार परफेक्ट नहीं होता, और कोई भी पूरा अच्छा और पूरा बुरा नहीं होता। इवन डाकू भी जो होता है अपने बच्चों के लिए अच्छा होता है। इट्स अ वेरी रिलेटिव थिंग टू से कि कोई अच्छा या बुरा है। असल बात ये होती है कि आप सोसाइटी के अंदर जो लोग डिप्राइव्ड होते हैं, जो ओप्रेस्ड होते हैं, जिन्होंने लाइफ में अपने लिए स्ट्रगल करनी होती है, आप उनको सियासी प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से वो अपने लिए स्ट्रगल कर सकेंगे। अगर उनको रिप्रेजेंट करने वाले जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, मशहूर लोग हैं, अमीर लोग हैं, और वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको खुद आने नहीं देते पॉलिटिक्स में, तो ये कभी नहीं बदलेगा। क्योंकि हर इंसान आखिरकार, हमारी ह्यूमन नेचर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्लेटफॉर्म सिर्फ इसलिए बनाना चाहिए कि इस ह्यूमन नेचर को वो एक कॉम्बैट उसके साथ करे कि जब मैंने करना ही अपने लिए है, तो फिर उनको मौका दें जो अपने लिए करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। और वो वही लोग हैं, मिडिल क्लास के हैं, मेहनतकश हैं, नौजवान हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं। वो सियासी प्लेटफॉर्म कोई पार्टी इनको नहीं दे रही। वो सब कौन लोग हैं? जिसके पास पैसे हैं। हाँ। वो इलेक्शन में आ जाता है। लेकिन आप समझते नहीं कि बेसिकली आवे का आवा बिगड़ा ही इसलिए है कि ग्रास रूट लेवल पे हम पॉलिटिक्स को नहीं जाने देते। Exactly. अगर बेसिक डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, जो हमारी बल्दियात है, उसको कोई नहीं पनपने देता, तो वहाँ नहीं आपने सोचा कि वहाँ से शुरू करते, वहाँ से काम शुरू करते, और फिर वहाँ से ऊपर उठते, लोगों को लेकर आते? आप करिए, दिल कराइए। आपको पता है कि जो आपने बात की है, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट है, और मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि आपकी इस बात से मैं भी जवाब दूंगा, तो लोगों को भी पता चलेगा जो नौजवान है। एक्चुअली देखें, हमारी पार्टी ने सिर्फ अपने आप को लॉन्च किया था 2018 में। हमने ये कहा था कि हम भी एक पार्टी हैं, और हम आ रहे हैं क्योंकि अदरवाइज मुझे 5 साल बाद करना पड़ना था। अच्छा। और जो 2018 में हमारी पोजीशन थी, मैं भी, अभी लोग मुझे जानते हैं, नौजवान भी जानते हैं, कम अज़ कम इस वक्त जो 15-16-17 साल का भी बच्चा है वो भी थोड़ा बहुत मुझे जानता है, उसने कहीं ना कहीं मेरे गाने सुने हुए। लेकिन जो उससे बड़े हैं वो तो सारे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। देव बिन सिंगिंग माई ट्यून्स, देव बिन डांसिंग ऑन माई सॉन्ग।
तो मुझे उसको कैपिटलाइज भी तो करना था ना. अब ये मैं 2023 में करता तो आई वुड हैव बीन गॉन एंड आउट. तो मेरा ख्याल था कि 2018 में हम आएंगे, अब रूहशनास कराएंगे, अपने आप को लॉन्च करेंगे और फिर हम जाएंगे लोकल गवर्नमेंट में. अच्छा. अब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कोई पार्टी सही तरीके से करवाती नहीं है. इवन पीटीआई जो है इस वक्त बहुत रोक रही है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस. किस चीज से डरती हैं जो सारी पार्टीज हैं हमारी? वो इसलिए डरती हैं क्योंकि देखें ऊपर तो सब वही बैठे हुए ना. इट इज द सेम एलीट बेसिकली. अच्छा, व्हेन आई से एलीट, आई एम नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द इंटेलेक्चुअल एलीट हियर बिकॉज यू ऑल्सो बिलोंग टू द इंटेलेक्चुअल एलीट. One, you've been well educated, and two, you've been working in the media, जो कि पूरे दुनिया का एक्सपोजर आपको मिलता है, तो आप इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं खुद ही. आपको आर्ट, कल्चर, उसके अलावा फिलोसफी, बहुत कुछ लिटरेचर पढ़ते हैं आप. मैं बात कर रहा हूँ उस एलीट की जो कि पैसे के ऊपर है एलीट. अच्छा. ताकत के ऊपर एलीट. अच्छा. है. अब वो लोग तो सारे के सारे सब पार्टीज में हैं. अभी भी इमरान खान साहब की जो कैबिनेट है वो उसकी सारी कॉम्पोजिशन क्या है. इससे पहले भी मुझे बताइए कि जब 2013 में इलेक्शन उन्होंने लड़ा था तो उन्होंने लोगों को टिकट दी थी, आम लोगों को. 2018 में तो इनके इर्द गिर्द सब वही खड़े हुए थे. नहीं, पर आप समझते नहीं है कि अगर आप पीटीआई में होते, वो भी तो इंसाफ की बात करती है, ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी की बात करती है, तो आपकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती बनिस्बत इसके कि आप उस स्ट्रगल से, यू नो, अगर ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है एक पार्टी और आप उस स्ट्रगल का हिस्सा बनते, तो आप नहीं समझते हैं कि आपकी आवाज़ जो है, जो आप ये कहते हैं, ये बात आपकी सुनी जाती. मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवसत से लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है आई वॉज प्रॉबली द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द शोबिज़ दैट वाज आस्क्ड बाय इमरान खान साहब हिमसेल्फ टू कम इनटू द पार्टी. मैंने डिक्लाइन इसलिए किया और बड़ा पोलाइटली मैंने कहा जी मैं नहीं करना चाहता, इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि इनका जो नैरेटिव है वो फ्लॉड है. वो ये कहते हैं कि चोरों को, करप्शन करने वालों को और धांधली करने वालों को पकड़ा जाए. हमारा नैरेटिव ये नहीं है. हम कहते हैं कि वो तो सारे ही कर रहे होते हैं. हम ये कहते हैं कि जो पैसा कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीकों से एक्यूमुलेशन हुई है वेल्थ की और सिर्फ चंद लोगों के पास गई है, ये पूरा सिस्टम जो है वो गलत है. ये आम आदमी को कुछ देता ही नहीं है और बेनिफिशियरीज जितने हैं वो गैर कानूनी और कानूनी दोनों तरीके से पैसा कमाते हैं. मैं आपको मिसाल देता हूँ. अब मैं ये बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ, मैं पर्सनल नहीं हो रहा, मैं बड़ा सिंपल सिंप्लीफाई करके बात करना चाहता हूँ और मैं कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा रहा किसी पर. जब इनकम ग्रुप्स के अंदर इतनी बड़ी डिस्पैरिटी हो, इतना ज़्यादा फ़र्क हो, तो इसका मतलब कि सिस्टम के अंदर मसला है. ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना. जिस वक्त नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, इवन भुट्टो साहब और इमरान खान साहब, इनके बावजूद और इनके जो माँ बाप थे और इनके जो रिश्तेदार थे, इनके दोस्त जो जिनके साथ ये रब शोल्डर्स विद, वो सारे जब पैसा कमा रहे थे उस वक्त ना तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, ना वो असदारी की गवर्नमेंट थी, ना इमरान खान की गवर्नमेंट थी. उस वक्त भी लोग पैसा बना रहे थे. इन सब के पास जायदादें हैं. इमरान खान के पास 14 जायदादें हैं जो उनको 9 तो उनको इनहेरिट हुई हैं. फिर असदारी साहब के पास 23 जायदादें हैं, जो मैं वो जायदादें बता रहा हूँ जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं. फिर नवाज शरीफ साहब के पास तो आपको पता ही है, उन्होंने लिखी तो 7 हुई हैं, इसके अलावा स्टॉक्स, कंपनियाँ, पता नहीं क्या क्या. मेरा पूछना ये है कि क्या उस वक्त भी गरीब आदमी की मिनिमम वेज इतनी नहीं थी कि वो ना अपने बच्चों को सेहत दे सकता था, ना वो उनको एजुकेशन दे सकता था. लिटरेसी रेट इससे भी कम था जो अभी है. उस वक्त भी लोग डिप्राइव्ड थे, ओप्रेस थे. इसका मतलब कि योर होल सिस्टम हैज टू बी ओवरहॉल्ड. ठीक है, तो वो सिस्टम ओवरऑल कौन करेगा? ये हमारा लेकिन आप क्या समझते हैं कि पैसे बनाना क्या गलत है? मैं वही तो कह रहा हूँ. लेकिन अगर आप देखिए, सोशलिज्म एक वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, कैपिटलिज्म भी एक वे ऑफ लाइफ, उसका दरमियानी रास्ता ढूंढना है ना. तो वो तो एक्सपेरिमेंट तो पूरी दुनिया ने किए. इंसान सबसे ज़्यादा खुश कहाँ होता है? मैं जब आई रिमेंबर 92 में मैं ताशकंद गई थी फिल्म फेस्टिवल पर, तो लेनिन का मुजस्मा मेरी आंखों के सामने तोड़ा जा रहा था. तो क्या मतलब हुआ कि वो सिस्टम फ्लॉड था ना. सो एवरी ऑल सिस्टम्स आर फ्लॉड. देखिए,
मैं इसको इस तरह कहूंगा, तो क्या कौन सा सिस्टम लाओगे आप जो कि फ्लॉड ना हो? मैं तो इक्वालिटी कैसे आएगी? मैं तो इज्म्स के ऊपर अभी बात ही नहीं कर रहा। अच्छा। मैं तो बड़े सिंपल सी बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ कि जब आपका कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो सोशलिज्म हो, चाहे वो कैपिटलिज्म हो, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो, जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन की है, ठीक है, जहाँ पर भी इनइक्वालिटी बढ़ेगी, डिस्पैरिटी बढ़ेगी, और लोग जो हैं वो उनकी इनकम की जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। एक की बहुत ज्यादा इनकम होगी, एक की कुछ भी नहीं होगी। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम हियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेजेस हियर, बिकॉज़ व्हेन यू से वेज, यू आर ओनली रेफरिंग टू द वर्किंग क्लास और सम टीयर्स ऑफ मिडिल क्लास, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इनकम की। जब इनकम ग्रुप्स के अंदर इतनी बड़ी डिस्पैरिटी हो, इतना ज्यादा फर्क हो, तो इसका मतलब कि सिस्टम के अंदर मसला है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। आप अगर सिस्टम इस तरह का चलाना चाहते हैं जिसमें एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ चंद लोगों के हाथों में होती जाए, होती जाए, बाकी सब लोग जो हैं वो बेचारे कोने में लगते जाएं, ये हाल हो जाए कि चार किस्म के एजुकेशन सिस्टम्स हो, एक मदरसे हो, एक इसका सरकारी स्कूल हो, एक प्राइवेट स्कूल हो, बेचारे आम वाले, और एक जरा अच्छे वाले स्कूल्स हों, तो उस मुल्क के अंदर एक सीरियस मसला है। और वो जो मसला है वो उस वक्त तक नहीं हल हो सकता, जो मैं बार बार बात कहना चाहता हूँ, जब तक वो लोग जिनका मसला है वो स्टेक होल्डर नहीं बनते पॉलिटिक्स के अंदर। That is our narrative. So, आप फील करते हैं कि पॉलिटिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। तालीम के बगैर आप किस तरह लोगों को अवेयर कराएंगे? देखिए, एजुकेशन एजुकेशन तो वही होती है ना जो कोई भी सिस्टम। आप नहीं समझते कि सबसे पहले आपको अपने आवाम को एजुकेट करना पड़ेगा ताकि उनके जहन खुलें, वो इस काबिल बने कि वो सोच सकें, उनको फिक्र हो वो अपने मुस्तकबिल के बारे में। अगर आप एजुकेट ही नहीं करेंगे तो फिर उनको अपने राइट्स का कैसे इल्म होगा? तो मेरा तो सवाल आपसे फिर यह है कि इन्होंने एजुकेट क्यों नहीं किया? आप देखें, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब तक ये लोग बैठे रहेंगे, यही लोग, जब तक जागीरदार, सरमायादार, माफियास बैठे रहेंगे पार्लियामेंट में, या इन तीनों को रिप्रेजेंट करने वाले बैठे रहेंगे, जो चंद मिडिल क्लास के लोग भी ले जाते हैं कई दफ़ा, उस वक्त तक ये तो हो नहीं सकता ना कि ये लोग एजुकेट करें लोगों को, या ये लोग सबको हेल्थ फैसिलिटीज दें। ये तो अपने लिए करते हैं। मैंने तो कहा शुरू में आपको, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, हर इंसान अपने लिए कर रहा होता है। पॉलिटिकल मोबिलिटी जो है क्लास बेस्ड, जब तक वो नहीं होगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान नहीं चेंज होगा। और ये मेरा मैसेज है नौजवानों के लिए, जब तक आपको क्लास मोबिलिटी नहीं आप पैदा करेंगे पॉलिटिक्स के अंदर, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। क्या क्लास मोबिलिटी आप कैसे पैदा करेंगे? आपने जहाँ जगह पॉलिटिकली आप कॉन्शियस होते हैं, आपके अंदर अदराक आता है समझने का कि आप ये इस वक्त कहाँ खड़े हैं, और अपने अपने आप को भी आपने बदलना है, और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी बदलना है। आपने स्टूडेंट यूनियन सारी ख़त्म कर दी, आपने मजदूरों की यूनियंस ख़त्म कर दी, है ना? तो और फिर आपने अगर ये चीज़ें बचपन से नहीं हमने सीखी, ये तो सब कुछ हमने सीखा था जो हम आज इस काबिल हुए हैं कि आपसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि हम स्टूडेंट लेवल से हम शुरू हुए थे ये समझने में कि हक़ क्या है। हमारे टीचर्स ने, हमारे माहौल ने हमें ये बताया कि आपने अगर धारे में शामिल होना है डेवलपमेंट के, तो आपने पॉलिटिकली अवेयर होना है, आपको अपना हक पता, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारियां भी पता होनी चाहिए, और अपने हकूक भी पता। वो तो एजुकेशन से आएगा। आपने अपने मुल्क के कितने लोगों को एजुकेट ही नहीं होने दिया, आपने इंफॉर्मेशन के ज़राए नहीं वहाँ तक पहुँचने दिए। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने टेलीविजन अपने एरिया में नहीं आने दिया। एग्जैक्टली, है ना? यू आर एंडोर्सिंग माय पॉइंट एक्चुअली। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये किन्होंने नहीं आने दिया, जो लोग अभी तक बैठे हुए थे कि 1951 में, इट इज़ अ रिकॉर्डेड फैक्ट कि सिंध की जो असेंबली थी उसके अंदर 90% जागीरदार थे। किसी ने अगर पूछना पता करना है तो एक किताब है, नोट ऑफ डिसेंट, मसूद खदरपोश की, वो एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे और अंग्रेज़ों के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ, और पाकिस्तान के अंदर भी थे। ही वाज फ्रॉम द लेफ्ट, प्रोग्रेसिव आदमी थे, जिस तरह आप प्रोग्रेसिव हैं। अभी आपने बात की यूनियंस वगैरह की, तो वो किसानों को राइट्स देना चाहते थे। तो उन साहब ने किताब लिखी और बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट जो किताब है, वो कहते हैं 51 में सिंध असेंबली में 90% जागीरदार थे, और 53 में पंजाब असेंबली में 80% जागीरदार थे। अब डू यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड्स, दैट दे विल स्टार्ट टीचिंग योर चिल्ड्रन बाय बिल्डिंग स्कूल्स, और दे विल गिव यू द हेल्थ बेनिफिट्स और हेल्थ फैसिलिटीज इन द हॉस्पिटल्स, एंड दे विल open the hospital for all the classes, oppressed classes in Pakistan? It is not going to happen because they are the stakeholders themselves in this whole system, oppressive system. Jab tak log aayenge nahin,
उस क्लास से पॉलिटिक्स में, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक सियासी पार्टी कर सकती है, इमरान खान के पास ये एक था चांस कि वो ये करते, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्यों नहीं किया? क्या करना चाहिए था आते ही? आप जो एक पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप क्या समझते हैं कि इमरान को आते ही आते क्या इस्तलाहत करनी चाहिए? आपने कितनी खूबसूरत बात की है, इस्लाहात आने के बाद की बात है, उनको जो उससे पहले करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। अच्छा। लेकिन जब वो आए ही इन लोगों के बल पे हैं जो लोग उनके साथ बैठे हुए हैं, तो अब वो कुछ नहीं कर सकते। ये तो मैं आपको देखें, इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, आई डोंट हैव टू से इट, द टाइम विल प्रूव व्हाटएवर आई एम सेइंग राइट नाउ एट योर सेट। क्योंकि देखें, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने पोलिटिकल इकोनॉमी पढ़ी है, मेरे वालिद साहब मेरी वालदा साहबा दोनों पोलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। अच्छा। तो इट वॉज इन द एयर, मतलब इट वॉज इन द एयर ऑफ माई हाउस के हम हर वक्त हमारे घर में ही बातें होती हैं। आपको हिस्ट्री बता देती है कि आप जब एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी रिफॉर्म्स और होती हैं, और जब आप एक और क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ और होती हैं, और जब आप पूरे मुल्क की तमाम क्लासेस को, जो आपने बात करी थी कि एक अच्छा सिस्टम जो सबको लेके चले, उनको करती हैं करते हैं रिप्रेजेंट, तो फिर आपके रिफॉर्म्स और होते हैं। इमरान खान जिनको अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके साथ वो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, और जिनके साथ आप समझे जिनकी सपोर्ट के बगैर वो आ नहीं सकते थे, उनके साथ भी सब मिला के अब वो इंटरेस्ट, एक कलेक्टिव इंटरेस्ट उन लोगों का है जो 1% है, जो 99% के साथ जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो 99% के लिए अब रिफॉर्म्स नहीं होंगे, कभी भी नहीं हो सकते। इमरान खान को जो पहले करना चाहिए था वो मैं बता रहा था, उनको इस मुल्क में एक बड़ी सियासी पार्टी इसलिए बनानी चाहिए थी ताकि वो प्लेटफॉर्म दे लोगों को लीडरशिप का, कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास, ऑल द टीयर्स ऑफ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, एंड देन डेफिनेटली टू द वर्किंग क्लास इटसेल्फ, पीपल हु हेल फ्रॉम द वर्किंग क्लास आर ऑलमोस्ट 70-80% पीपल इन पाकिस्तान, उनको प्लेटफॉर्म दें। और प्लस पे नौजवान जो आजकल डिग्रियां लेके फिर रहे हैं और उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा अपने सामने, लेकिन वो चाहते हैं कि इस मुल्क में हमारे लिए भी कुछ हो, हमारे जनरेशन के लिए भी अगली हो, उनको प्लेटफॉर्म देते। उन्होंने वो प्लेटफॉर्म बनाने के बजाय एक शॉर्टकट लिया इस दफ़ा, और ही आई डोंट नो व्हाट वाज इन हिज माइंड, व्हाई डिड ही वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर, विद शॉर्टकट्स यू कैन नॉट रीच योर डेस्टिनेशन, व्हाटएवर यू हैड थॉट इन द बिगिनिंग। पाकिस्तान अलहदा होके क्या गरीबों, मजदूरों, किसानों, मेहनत कशों और मिडिल क्लास के लिए फ़ायदा मंद हुआ, या जो लोग आज तक जिसकी वजह से अभी मसला पड़ा हुआ है कि जी सारा पैसा तो वो खा गए, उनके लिए हुआ? अगर आपको मौका मिलता, जवाब के आप प्राइम मिनिस्टर जीत जाते, प्राइम मिनिस्टर बनते, आप गवर्नमेंट बना सकते अपनी, आप आते क्या इस्लाहात करते? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, हमारी पार्टी में से कोई फर्ज कर नौजवान बनता, तो जिस प्रोसेस से हम आते, आम लोगों को लेके, आम लोगों को पॉलिटिक्स में लेके, उनको जितवा के, उनको पार्लियामेंट में पहुँचा के, तो हम वो काम करते जो ये पार्टीज नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, हम लैंड रिफॉर्म्स करते, हम इस मुल्क में स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको तगड़ा करते बजाय प्राइवेटाइज करने के, हम नेशनलाइज करने की बात नहीं कर रहे कि जो हैं एग्जिस्टिंग प्राइवेट उनको नेशनलाइज कर, नहीं, हम कह रहे हैं जो स्टेट के पास अपने हैं, जिसकी वजह से स्टेट इतने सारे लोगों की जिम्मेदार है, उनकी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ देने की, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, उनकी फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ जो उनको चाहिए, और उनके राइट्स देने की, वो स्टेट के पास कुछ होगा तो उनको देगी, इतने ज़्यादा 22 करोड़ लोग हैं। तो ये हम करते, और सबसे बढ़ के हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पुल, सड़कें, रोड्स, और उसके बाद इंडस्ट्री स्पेशली, ये हम स्टेट की जिम्मेदारी इसको समझते। लेकिन आप समझते नहीं कि ये तो आप सारे प्रोविंसेस के पास सब कुछ चला गया, तो ये देखें, तो एक प्रोविंस पंजाब जो है वो थोड़ी डेवलप हो रही है, और सिंध में तो कोई काम ही नहीं हो रहा, तो आप स्टेट वो हेड जो है वो क्या करता? जिस दिन आप मेजॉरिटी लेके आते हैं 2/3 उसके अंदर पार्लियामेंट में, तो उसके बाद आपके नज़दीक ये अच्छा हुआ जो सेंटर से पावर सारे जो है वो प्रोविंसेस को चले गए? देखिए, अब ये तो डिबेटेबल बात है एक्चुअली। इस वक्त अगर पीटीआई से पूछें तो वो कहते हैं बुरा हुआ, और उस ज़माने में जब ये हुआ था तो जिन जिन लोगों को अपने अपने सूबे के अंदर अपनी अपनी अथॉरिटी रखनी थी,
हेजेमनी रखनी थी, मोनोपोली रखनी थी। आपकी नजर में, आप एक पॉलिटिशियन हैं, मैं आप एक पॉलिटिशियन से पूछ रही हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ डिबेटेबल क्यों है, क्योंकि अगर तो सेंटर के अंदर ऐसी पार्टी मौजूद हो जो पूरे मुल्क के लोगों को देख रही हो, तो जब वो ये करती है जिसको हम कहते हैं कि डेलीगेशन ऑफ पावर टू प्रोविंसेस, मुख्तलिफ आप लोगों को पावर्स देते हैं, तो वो तो उधर भी ठीक काम करेंगे फिर। लेकिन अगर एक फेडरल लेवल पे पार्टी ऐसी नहीं बैठी हुई तो वो तो फिर उनका अपना कोई इंटरेस्ट है जो ये करवाना चाहते हैं। अगर वो सूबे आ भी जाएंगे इनके साथ, ये ऐसे ही है जैसे साउथ पंजाब में लोग कहते हैं जी हमें अलहदा कर दो, आजकल लोग कहते हैं जी इनको अलहदा कर दें, ये तो कह रहे हैं, कह कौन रहे हैं, जागीरदार कह रहे हैं, बट अलहदा करने को नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं एक नया सूबा। सूबे बनने में क्या मुश्किल आता है आपकी नज़र में? मैं तो कह रहा हूँ क्यों नहीं बनने चाहिए, और गवर्नेंस के लिए आसान नहीं हो जाएगा अगर अपने अपने सूबे होंगे? हमारा नैरेटिव ये है कि सूबे चाहे अलहदा हों, चाहे सूबों को पावर्स दी जाए, जो मर्जी आप करना चाहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखना पड़ेगा उससे फायदा किसको हो रहा है। अगर फ़ायदा फिर जागीरदार को हो रहा है सूबे अलहदा होने से, जैसे मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, ये अभी बहुत ही मैं ऐसी बात करने लगा हूँ जो कि नहीं लोग करते। पाकिस्तान जब अलहदा हुआ तो पाकिस्तान अलहदा होके क्या गरीबों, मजदूरों, किसानों, मेहनतकशों और मिडिल क्लास के लिए फ़ायदेमंद हुआ, या जो लोग आज तक जिसकी वजह से अभी मसला पड़ा हुआ है कि जी सारा पैसा तो वो खा गए, उनके लिए हुआ? तो पाकिस्तान अगर बना था तो अगर वो आम लोगों के लिए फ्रूट्स देता तो वो उसके बनने का फ़ायदा भी था। लेकिन नवाज शरीफ तो फ्यूडल नहीं था। नवाज शरीफ अगर फ्यूडल नहीं था तो उसके पास सिस्टम को यूज़ करने के मौके जितने थे, देखें वो आए किस तरह, वो तो फौज के साथ बैठ के आए। अब फौज जो है उस जियाउलक साहब उस ज़माने में एक आप समझे अथॉरिटेरियन थे, वो तो अथॉरिटेरियन रूल था। अब एक ऑटोक्रेट आदमी हो या डेस्पॉट हो, वो आगे जब बैठ जाता है और उसके पास सारी पावर उसके पास होती है, तो ही कैन मेक एनी जैक द किंग, एनीबडी कहते हैं ना फ्रॉम द रैक्स टू द रिचेस वाला स्टोरी, जिसको मर्जी वो कुछ बना दे, देयर इज नो मेरिट देयर। तो चेंज कहां से आता है, नीचे से ऊपर आता है या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर आता है। अच्छा। कभी ऊपर से नीचे से नहीं आता। ये इमरान खान का सारा नैरेटिव गलत है, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ। इस मुल्क के नौजवानों को बताना पड़ेगा कि चेंज हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त लेके आती है जब वो नीचे से प्रोसेस ये बनाती है कि लोग जिनका स्टेक नहीं है इस वक्त इकोनॉमी के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, उन लोगों को जिनको ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उनके पास हेल्थ नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास अच्छा खाना तक नहीं है, उन लोगों को आप लेके आए पॉलिटिक्स में। इसका मतलब है नहीं, बट इस तरह जहाँ इतनी मुश्किलात हों इंसानियत की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीने के लिए, उस पर तो आई थिंक आपको एक बेनिफैक्टर चाहिए होता है जो आपका लीडर हो, जो ये समझे सब कुछ और वो इस्लाहात इस तरह की लाए कि वो ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे। मेरे नज़र में ये जो आप बात कर रहे हैं, ये एक आइडल बहुत ही खूबसूरत माहौल, जब सब पढ़े लिखे हो जाते हैं फिर वो आप अपने हकूक़ को समझते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं और नीचे से ऊपर चेंजेस आते हैं। लेकिन जब आपके यहाँ गुर्बत हो, एजुकेशन की कमी हो, लोगों को समझ ना हो, वो किसी भी आदमी के शख्स के बहकावे में आ सकते हैं और आ रहे हैं, तो फिर आई थिंक एक बेनेवोलेंट एक ऐसा लीडर चाहिए होता है जिसके दिल में ऐसा। पहली किताब मुझे याद है रेड बुक ऑफ चाइना माओज़ेदुंग की, वो पहली किताब थी जो मैंने पढ़ी। जो एक जहन भी रखता हो और दिल भी रखता हो, नहीं डोंट यू थिंक कि फिर हमें एक ऐसा लीडर चाहिए होगा जो ये सब कुछ फिर कुछ चेंज भी तो कोई लाएगा ना, हम नीचे से ऊपर तो नहीं आ पा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप जो बात कर रही हैं ना, हाँ, वो थोड़ी सी आइडियलिस्टिक बात है। अच्छा, कि हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा आदमी आएगा, वो पदरी बंद बना के आएगा, मशीन से निकलेगा, हम उसको पदरी अंडा एक पहले बनाएंगे फिर उसमें से एक चूजा निकलेगा। सिवाय इसके और कोई तरीका नहीं अच्छी लीडरशिप का कि वो बहुत से लोग लाइक माइंडेड इकट्ठे बैठे काम करें और नेचुरली उनके अंदर से एक लीडर बाहर निकले। ये जो बने बनाए लीडर होते हैं कुछ नहीं करते किसी के लिए। मैंने शुरू में कहा कि इंसान अच्छे सिर्फ अपने लिए करते हैं, सब अपने लिए करते हैं। मुझे आज बताएं कि इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर इनको ना बनाया जाता या इनको ना पता होता कि मैं ये बन जाऊँगा तो ये सियासत करते? मेरा नहीं ख्याल है करते। इसी तरह अगर
नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, लेकिन वो तो सारे यही करते हैं पूरी दुनिया। मैं ही तो कह रहा हूं ना, पूरी दुनिया के लोग, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि एक आदमी एक लीडर बनेगा या और एक औरत बनेगी, अंदर से निकलता है वो। देखें लेबर पार्टी में मिसाल के तौर पे इंग्लैंड में, अगर हम सिविलाइज मुआशरों की, हमसे ज्यादा सिविलाइज मुआशरे जो है उनकी बात करते हैं, एडवांस मुआशरों की, तो वहाँ पे जेरेमी कॉर्बिन है आज के लेबर पार्टी का वो चेयरमैन है, उसको कुछ अर्सा पहले कोई जानता ही नहीं था। ही केम फ्रॉम बॉटम अप और वहां से उसकी लीडरशिप जो थी उन्होंने निकाला और एक बंदा सामने कर, जब वो आ जाता है सामने फिर ऑफ कोर्स ये कैसे होता है कि आपको पता है कि ये एक अच्छा लीडर है, आपको इसके पीछे खड़ा होना चाहिए, इससे हमारी जिंदगियां बदलेंगी, प्रोसेस से निकलता है ना? नहीं, फिर लोग उसको को वोट ही नहीं देते। नहीं, लेकिन प्रोसेस ये क्या होता है? नहीं देखिए, लोग पाकिस्तान के जो है ना, आई वॉन्ट टू नो दिस, ये पॉलिटिक्स में ये क्या है कि सामने आपके एक ट्रम्प है और आपके सामने वो दूसरा एक और लीडर है बर्नी सैंडर्स, आप उसको नहीं जिताते, आप ट्रंप को जिता देते हैं, आप कॉर्बिन को नहीं जिताते, आप यू नो मे को वोट दे देते हैं। हाँ जी ठीक है, आई वॉन्ट टू नो कि आपको पता है कि वो बात सही कर रहे हैं, वो पता है कि वो चाहते हैं आपका लीडर के जंग ना हो दुनिया में, असले असलहा ना बेचा जाए, लोग ना मरें, दुनिया पीसफुल रहे, अमन हो दुनिया में, और इंसानों की बजाय इंडिविजुअल्स जो आम डील्स में लोग पैसे बनाते हैं वो ना, इंडिविजुअल रिच ना हो बट इंसानियत अमीर हो। मगर आप फिर भी जाके वोट डाल देते हैं उसको जो जिसमें इंडिविजुअल्स ही जीतेंगे। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या टोनी ब्लेयर जो थे वो लेबर पार्टी से नहीं थे? क्या अभी जो लंदन का मेयर है सादिक खान पाकिस्तानी उसके ओरिजिन? नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। मैं वही वापस आ रहा हूँ, तो क्या वो भी तो लेबर पार्टी से थे ना? लेबर पार्टी और टोरीज या कंजर्वेटिव पार्टी दो पार्टीज हैं, एक पार्टी रिप्रेजेंट करती है मिडिल क्लास को और वर्किंग क्लास को, और फंड भी वो इसी को करते हैं जिसको लेबर पार्टी कहते हैं, और उसमें आम लोग आमतौर पर लीडरशिप में आते हैं। एक टोरीज हैं जो कि अमीर पार्टी है, वो उनके इंटरेस्ट भी और हैं, वो कंजर्वेटिव हैं, वो एंटी इमिग्रेंट्स हैं वगैरह वगैरह, एक वो है, होता क्या है, बैलेंस रहता है, एक बैलेंस क्रिएटेड रहता है, और कभी वो बन जाते हैं कभी ये बन जाते हैं, ये तो होता रहेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी है जो लेबर पार्टी की तरह की हो जिसको क्राउड फंड करे? लेकिन टोनी ब्लेयर से कितनी बड़ी गलती हुई, उसने माफी मांगी कि आई वाज मिस इन्फॉर्म, इतने लोग मर गए और उसने कहा कि मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, डिस इन्फॉर्मेशन, सो कन्वीनियंट, सो हु हैव टू ट्रस्ट। मैं यही तो कह रहा हूँ, हम तो इंसान यही कर सकते हैं ना कि हम लोगों पे उस वक्त ट्रस्ट करें जब उनको उनकी पार्टी सामने लेके आए। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि पार्टीज किसी को आगे नहीं लेके आती, हम तो यही कर सकते हैं उनमें से किसी को वोट दे दें। आखिरकार वो जो लोग होते हैं वो बैलेंस तो क्रिएट करते हैं ना कहीं जाके पाकिस्तान में। मैं फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पार्टी है जो आम इंसान को रिप्रेजेंट करती हो इस तरह कि वही उसी के अंदर उनकी कॉम्पिटिशन हो, वही लोग मौजूद हो, वो लोग खुद लीडरशिप में आ रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये कब शुरू हुआ था ये सिलसिला? ये हमने तो शुरू किया ना। नहीं, मैं आपके बारे में कि ये किस उम्र में आपको एहसास हुआ था कि ये बहुत ही अनफेयर सिस्टम है? कैसे थे आप? मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर, कॉलेज में था, है कॉलेज थोड़ा बचपन और पीछे जाते हैं। मेरे वालिद साहब की किताब, कहाँ पैदा हुए थे? मेरे नान के, मेरे दाद के, ऑल हेल फ्रॉम लाहौर। और मेरे वालिद साहब की तो जनरेशन है वो तो उनको पता भी नहीं है, उनसे पहले भी चार पांच वो सारे लाहौर से हैं। अच्छा, तो मेरी वालदा साहब अलबत् वो कश्मीरी थी, तो वो दुरूग एक जगह थी जम्मू में, वहाँ से वो माइग्रेट किए थे मेरे नाना के जो वालिद साहब थे। तो हम काफ़ी जनरेशन से लाहौर में ही हैं। अच्छा, लेकिन और कितने बहन भाई? चार बहन भाई हैं। अच्छा। एक बहन है सबसे बड़ी, फिर मैं हूँ। उसने MSc इकोनॉमिक्स किया था, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मेरे एक भाई वो आर्किटेक्ट है, वो भी इंजीनियरिंग उसी लाहौर से है, मैं भी वहीं से हूँ। और सबसे छोटा जो है वो डॉक्टर है अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से। मेरे वाले साहब ने कहा था यार कि मैं प्रोफेसर हूँ, पैसे वैसे तो इतने हैं नहीं, मिडिल क्लास का आदमी हूँ, पढ़ वक्त जाओ सारे डिग्रियाँ ले लो ताकि फिर अपनी ज़िंदगी बनाओ। तो ये हमने कम अज़ कम उनकी एक बात जो है वो मान ली थी, सारे ने डिग्रीज ली प्रोफेशनल। लेकिन मैं किताबें बहुत पढ़ता था, मेरे वालिद साहब मेरी वालदा साहब की किताबें इतनी ज़्यादा होती थी, और वो पहली किताब मुझे याद है रेड बुक ऑफ चाइना माओज़े तुंग की, वो पहली किताब थी जो मैंने पढ़ी। वो इतनी सी किताब थी, छोटी सी और इतनी इतनी मोटी थी, तो मैं वो खूबसूरत मुझे बड़ी लगी, रेड उसकी वो जेल दर सारा और गोल्ड में लिखा हुआ। हाँ जी, तो वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया।
पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई. आई थिंक आई वॉज नॉट मोर देन 8 or 9 ईयर्स ओल्ड. तो पहले तो मुझे समझ नहीं क्या है. फिर मैंने दोबारा पढ़ी, फिर मैंने दोबारा पढ़ी, फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत मुझे उसका जिस समझ आया, फिर मैंने छोड़ दिया. फिर मैंने और किताबें पढ़नी शुरू कर दी. काफ़ी अरसे के बाद फिर मैंने दोबारा जब उसको पढ़ा, उसमें तो मैं बहुत कुछ जान चुका हुआ था, तो मुझे उसका पर्सपेक्टिव चेंज होता नज़र आया. फिर मुझे ये लगा कि मुझे और भी लोगों को पढ़ना चाहिए इस तरह के. फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने पूरी जो हिस्ट्री थी मैंने उसको क्लास के हवाले से पढ़ा. मैंने कहा कि इन्होंने एक्चुअली किया क्या था. मदीना के अंदर जब वो गए और उन्होंने कहा कि अपना अपना अंसार जो है अपनी आधी जदाद जब तक प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो भाई वाली बात नहीं होगी, तो आधी आधी बांट दी उन्होंने. तो मैंने सोचा कि ये तो बड़ा एक सोशो इकोनॉमिक चेंज था जिसके लिए उन्होंने इतनी पॉलिटिकल स्ट्रगल की. रिलीजियो पॉलिटिकल स्ट्रगल हम कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली इट वाज अ पॉलिटिकल स्ट्रगल. एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर 23 इयर्स व्हेन ही केम बैक विद 10,000 पीपल टू मक्का, दे इन्वेडेड मक्का एंड दे टुक द पावर एंड देन दे इम्प्लीमेंटेड देयर ओन सिस्टम. सो इट वाज अ पॉलिटिकल स्ट्रगल. अगर लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल, अपने लीगल या अपने जैसे कहते हैं ना सियासी अमल से कोई चेंज लेके आ सकते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है. लेकिन अगर इनसे चेंज नहीं आता ना तो फिर उनको अपने इनकलाबी हक इस्तेमाल करके उससे चेंज लेके आना. तो वही मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि तो ऑप्रेस्ड पोअर इनके लिए सारा था. तमाम रिलीजन्स दुनिया में आए हैं जो इवन एब्राहमिक रिलीजन्स के अलावा भी जो लोग हिंदुज़म में रामचंद्र जी को मानते हैं या जो सिखिज़म में बाबा गुरु नानक को मानते हैं या जो बुद्ध गौतम बुद्ध को मानते हैं बुद्धिस्ट जो हैं, अगर उनके भी अगर आप लाइफ देखें तो वो भी सारी ओप्रेस लोगों की बात ही करते रहते हैं. आपको लगेगा पता कि लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं. फिर मैंने लेनिन को, मार्क्स को, ट्रॉट्स्की को, एंगल्स को, जे गुवेरा को, मतलब इन सबको पढ़ा के जो जो अपनी अपनी जगह में वाजतों को इन सबको पढ़ा के ये क्या करते किया इन लोगों ने. तो मुझे एक बात समझ आई ना कि हम मैं इज़म्स की बिल्कुल बात नहीं करना चाहता. मगर वो बहुत बड़े फासिस्ट थे सारे. नहीं नहीं देखिए इंसान को फैशिज्म कितने लोग मारे उन्होंने तोबा तोबा. अगर आप उस रेवोल्यूशन को देखें रशिया के, इट वॉज नॉट अ पीसफुल रेवोल्यूशन. कोई आराम से नहीं आया था. रशिया का रेवोल्यूशन इतने लोग मारे गए थे उसमें. नहीं, रशिया का रेवोल्यूशन और एनीबॉडी जो उनके हक में नहीं था उनके खिलाफ था, और इंटेलेक्चुअल्स खासतौर पर जो पढ़े लिखे लोग थे उन पर तो बहुत अताब आया था. देखिए एक बात आपको बता दूँ कि ये कैसा रशियन रेवोल्यूशन जो था उसके अंदर तो बहुत कम लोग मरे थे. उसके बाद सिविल वॉर जो हुई थी उसके अंदर ज़्यादा लोग मरे थे. लेकिन अगर आप वो मतलब इतने कम लोग मरे थे कि वो मेरा ख्याल है सैकड़ों में भी नहीं थे. जो जिस दिन रेवोल्यूशन हुआ है, जिस दिन इंसरक्शन हुई है, उस दिन कोई ऐसे लोग नहीं मरे. सिविल वॉर में मरे. लेकिन अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो ज़्यादा क्रूअल थी. अमेरिकन सिविल वॉर जो है जो कि आप ये समझें कि उसके अंदर लोगों ने जिस तरीके से एक दूसरे को मारा है. अगर आप स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क देख लें, अभी एक फिल्म आई है उन्होंने खुद बनाई है, उसमें आप देखें किस तरीके से मारा गया. साउथ और नॉर्थ की जो लड़ाई थी वो इकोनॉमिक लड़ाई थी. लोग समझते हैं कि सिविल वॉर ऐसी हो गई थी और लोग समझते हैं कि जी वो गुलामों को आज़ादी देने के लिए थी. सब झूठ है. अब्राहम लिंकन ने तो बल्कि ये भी कहा था कि मैं आज जो ये स्लेवरी अबॉलिश कर रहा हूँ मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, मैं इनको वोट के राइट नहीं दे सकता. उनको कोई राइट नहीं दिए थे उसने वोट देने के. ये तो कैनेडी के ज़माने में जाके उनको जो फुल राइट्स मिले हैं वो जो 70s की हम बात कर रहे हैं. तो लेकिन उस ज़माने में एक बात तो हुई ना कि उसका जो एक जैसे कहते हैं ना अनफोर्सीन जो बेनिफिट मिला वो स्लेवरी अबॉलिश होने से मिला. लेकिन लड़ाई वो एग्रीकल्चरस की यानी लैंड ओनर्स की, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ थी. और उसके अंदर भी ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए गए कि अब्राहम लिंकन ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लिए. उसने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए तमाम पैसा सीज कर दिया नॉर्थ का, सारे कैपिटलिस्ट का पैसा बैंक्स में सीज करके उसने उसको फौजी साजो सामान और वॉर के अंदर जितना भी उसका वो खर्चा था उसमें डाल दिया. वो चीखे मारते रहे. तो मसला ये है कि देखें अब्राहम लिंकन की एक कोटेशन भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि ही एक्चुअली केम फ्रॉम द रेवोल्यूशन.
He was the product of the revolution. He was the perpetrator of the revolution, जिसको हम सिविल वॉर कहते हैं, जिसका रिजल्ट उसके हक में निकला. और इसीलिए अमेरिका आज उस तरह का अमेरिका है जिस तरह आपको नजर आता है. एब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल, अपने लीगल या अपने जैसे कहते हैं ना सियासी अमल से कोई चेंज लेके आ सकते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर इनसे चेंज नहीं आता ना तो फिर उनको अपने इनकलाबी हक इस्तेमाल करके उससे चेंज लेके आना चाहिए. तो ही वॉज ऑल्सो एक्चुअली अ रेवोल्यूशनरी उस जमाने का, अपने फ्रेम के अंदर वो भी रेवोल्यूशनरी था. आई लाइक अब्राहम लिंकन. मैं इस वक्त इज्म्स की बात ही नहीं कर रहा. अच्छा, मैं ये भी नहीं कर रहा कि आई एम अ सोशलिस्ट और आई एम अ कैपिटलिस्ट और आई एम अ कम्युनिस्ट और आई एम एन इस्लामिस्ट. ये जो मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे होते हैं ना, मैं मुस्लिम तो हूँ, मैं बहुत सच्चा पक्का मुसलमान हूँ, लेकिन इस्लामिस्ट का मतलब ये है कि जो कि खास शियाज का अपना इस्लामिज्म है, पॉलिटिकल इस्लाम की मैं बात कर रहा हूँ, सुन्नीज का अपना है, बरेलवीज का अपना है, देवबंदीज का अपना है. तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि मैं तो इनमें से कोई भी नहीं हूँ. मैं तो एक ह्यूमेन सिस्टम चाहता हूँ जिसमें मुसलमान मेरे जैसे वो भी अच्छे तरीके से रह सकें, बच्चे पाल सकें, क्रिश्चियंस भी, हिंदूज भी, सिख्स भी, और उसके अलावा बरेलवी, देवबंदी, आ खानी, जो जो भी लोग हैं वो कम से कम उनको राइट्स मिलने चाहिए सबके, उनको कम से कम उनकी नान नफका मिलना चाहिए, उनके बच्चों को हेल्थ एजुकेशन मिलनी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. लेकिन मैं साथ ये कहता हूँ कि जब आप किसी भी पैराडाइम में रहते हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी लम्हे के अंदर रहते हैं, उस वक्त का इनकलाबी आपको होना चाहिए. वो आपका अपना लम्हा होता है, आपका अपना पैराडाइम होता है. उसके अंदर जो लोग लेफ्ट पे खड़े होते हैं, who are talking about the oppressed, who are talking about the poor, who are talking about the deprived, they are the left. Whoever is siding with those people, who is trying to make them even rich, more rich, aur unko wo aur zyada power de rahe hote hain, jo ki pehle se powerful hain, jo pehle se rich hain, unko hum right kehte hain. PDI, PMLN and PPP, all are the forces of right. If you are talking about the economic reforms, but if you are talking about the socio cultural paradigm, then I would say that PPP is a little on the left, PDI is on the center, and then again PMLN is on the center, aur jo right side pe hai wo thodi hamari aur jamaatein hain, aapko pata hai. Lekin economic paradigm mein sare right pe khade hue hain. Abhi bhi aap islahat jitni dekh le, jitni bhi ho rahi hain, isme aam aadmi ko to kuch nahi mil raha. Abhi bhi wo keh rahe hain ji ki hum itni mehngai kar rahe hain ki humne karza wapas karna hai, to bhai apni jadade deke kyun nahi karte. आप एक आम आदमी जिसको सेल्स टैक्स आप पे लगा रहे हैं, उस पर उसके पास पहले ही 5,000 रुपया है, वो सेल्स टैक्स पे चीज़ें खरीद रहा है. आप एक ताजर को कह रहे हैं जी आप टैक्स क्यों नहीं देते, मान लिया वो नहीं देता. आप ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते जिसमें 14 प्रॉपर्टीज जो प्राइम मिनिस्टर की हैं उनमें से वो बताएंगे जी आप सिर्फ इतनी रख सकते हैं, बाकी आप वापस दें. क्यों, आपको क्या जरूरत है इतनी प्रॉपर्टीज की? तो इसलिए ये लॉस कौन बनाएगा? तो ये लॉस वो बनाएगी पार्टी जो मिडिल क्लास, मेहनत कशों, नौजवानों की होगी, वही आगे इस तरह के लॉस बना सकती है. पीटीआई को आप इतना क्रिटिसाइज करते हैं, बट मैंने सारी गुफ्तगू में नून लीग और पीपल्स पार्टी के, मैंने अभी बोला उनका नाम, उनकी प्रॉपर्टीज पे नजर नहीं रखी. मैंने तो सबसे पहले आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और इमरान खान तीनों की प्रॉपर्टीज का पूरा पूरा जिक्र किया था. और मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि देखें, जो लोग जेल्स में हैं, जिनको आपने जेलों में डाला हुआ है, मैं उनके बारे में पॉलिटिक्स करने, मैं उनके बारे में बात करके अपनी पॉलिटिक्स को फायदा तो नहीं पहुंचा रहा. मैंने तो लोगों से बात करनी है उनके बारे में जो आज पावर में है. अगर आज नवाज शरीफ साहब होते, मैंने तो 2018 में पॉलिटिक्स स्टार्ट की, उससे पहले तो मैं पॉलिटिक्स की बात भी कम ही करता था. हाँ, मैं सोशल वर्क की बात तो करता था. बच्चे थे आप इसी तरह के बच्चे थे, घर में हर चीज के ऊपर नजर रखते थे, हर वक्त बहस हो रही होती थी? नहीं, मैं ऐसे नहीं था. मैं तो मौसीकी करने वाला आदमी हूँ, लेकिन जब मैं कोई मुझसे इंटेलेक्चुअली करता है, इंटरेक्शन मेरे साथ करता है, देखो मुझे बहुत, मैं वंडर करती हूँ, क्योंकि अगर एक शख्स है जो गाने लिख रहा है, मोहब्बत की यू नो पोइट्री है उसकी, वो शादियों के गाने लिख रहा है, तो वो इनकलाबी कैसे बना और किस उम्र में बना, और पहला इनकलाबी गाना कौन सा लिखा? समीना साहब, अब आपको पता नहीं बहुत अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, मेरे ख्याल में अच्छी लगेगी, क्योंकि आप लोग खुद एक प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट से निकलने वाले लोग हैं, और आप वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया है कि इस मुल्क के अंदर ओपननेस, इस मुल्क के अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए और लोग एक दूसरे की इज्जत करें. तो देखें, मैं असल में इनकलाबी हूँ, मैं असल में पॉलिटिकल आदमी हूँ. मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने से सोच चुका था कि मैंने पॉलिटिक्स करना है. मेरे तमाम दोस्तों को पता है, मेरे इवन बैंड मेंबर्स को पता है, जो उस ज़माने मेरे बैंड करते थे, जुपिटर्स के लड़के थे, उनको पता था कि पॉलिटिक्स करनी है इसने. आई एम टॉकिंग अबाउट 24 ईयर्स बैक. तो मैं
जब सिंगर और ये सारा बनाऊँ इसलिए कि मेरे अंदर एक टैलेंट था और आई वॉन्टेड टू बी फेमस, आई वॉन्टेड टू बी नोन टू पीपल, आई वॉन्टेड पीपल टू नो मी एंड देन कम विद मी व्हेन आई बी टॉकिंग टू देम इंटेलेक्चुअली अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट सोसाइटल चेंज. तो मैं चाहता था कि वो सब मुझे जाने. तो आई हैड नो अदर वे टू डू इट. मैं एक मिडिल क्लास का आदमी था, मैं या क्रिकेट खेल सकता था. पाकिस्तान में दो चीज़ें हैं, या आप आर्टिस्ट हूँ या आप क्रिकेटर हूँ. क्रिकेट खेला बहुत खेली मैंने. अच्छा. मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली. अच्छा. मैं यूनिवर्सिटी का कैप्टन था अपनी, और मैं वेल्स का भी खेला हुआ हूँ, फिर मैं अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 भी खेला हुआ हूँ. ये सब मैंने किया, लेकिन म्यूज़िक मुझे ज़्यादा आसान लगा. मुझे लगा कि इसमें मैं ज़्यादा शायद जल्दी कुछ कर सकूँगा. देन लक केम ऑन माई साइड एंड आई क्रिएटेड सम पॉपुलर सॉन्ग्स. And then there was no looking back for me. ये तेरा ना मेरा है, सब कुछ खुदा का है, फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है.